हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है, और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए, और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है दोस्तों। अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे, मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी देखेंगे, जिसमें हम मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन करेंगे। जो रेगुलरली हम मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते रहते हैं उसी का हम यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन करेंगे, लेकिन हमारे ट्रेड को कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड का सहारा ले लेंगे। उसी के साथ हम यहाँ पे कैंडलस्टिक के चार्ट ओपन करेंगे, और कैंडलस्टिक का जो ब्रेकआउट है उसके ऊपर हम यहाँ पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो भी स्ट्रेटजी देखने वाले हैं वो स्ट्रेटेजी के साथ हम दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें से जो पहला तरीका है वो तरीका हम आज की वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पार्ट फर्स्ट लिखा है। अगली वीडियो में हम पार्ट सेकंड के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेंगे दोस्तों। और एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर लेवल के ट्रेडर से, तो इमीडिएटली कौन से भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करना अच्छी बात नहीं होती। पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एज अ बिगिनर लेवल ट्रेडर हमें हमारे नॉलेज में गेन करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन लेना पड़ेगा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। हमें स्ट्रेटजी के साथ अच्छी तरह, जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है हमारी, उसके साथ हमें थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, हमें उसको अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद उसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम क्वांटिटी में हमें ट्रेडिंग की शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब भी कॉन्फिडेंस आ जाए तो हम धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम मार्केट से पैसा कमा पाते हैं। और स्ट्रेटेजी ही एक बात नहीं रहती कि जिसके साथ हम ट्रेडिंग करते रहते हैं, उसके साथ हमें रिस्क मैनेजमेंट, लॉस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। तो ये सारी चीजों के साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ब्लाइंडली कहाँ पे भी ट्रेडिंग करेंगे, कौन से भी लोग, कौन से भी पोजीशन में कौन सा भी स्टॉक ले लेंगे चार्ट को देखकर, तो आप अच्छी तरह से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, उससे आपको लॉस ही होगा। तो दोस्तों, नॉलेज में गेन करने के लिए हमने बहुत सारे रिसोर्सेस ऑलरेडी बना के रखे हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। जैसे कि यूडीएमी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मैंने कुछ पेड वीडियो कोर्सेस अपलोड करके रखे हैं, तो आप वहाँ से उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको खाली क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यूडीएमी के जो भी वीडियो कोर्सेस है उसकी लिंक प्रोवाइड की, उसको क्लिक कीजिएगा। एक वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको साइन अप करना है, और आपको खाली जो कोर्स जो है उसको बाय करना है। आप उसे पेमेंट करके बाय कर सकते हैं। आप बाय करने के बाद आपको वो कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। वो कोर्स में जो भी इन्फॉर्मेशन दिए वो अच्छे से समझ लेने की कोशिश कीजिएगा, और उसे लाइव चार्ट पे आप फिर बाद में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जो यूडेमी का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे डिस्काउंट चलते रहता है, तो जो भी हमारा कोर्स है उसकी जो भी प्राइस है उससे भी बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो
कम से कम प्राइस में आप अच्छा खासा नॉलेज भी ले सकते हैं, और वो वीडियो कोर्सेज जो भी आप लेंगे वो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए रहेंगे, तो उसे भी आप फायदा लेने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे हमारे बुक्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं अमेजोन पे, तो उसके भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए, तो वहाँ पे भी आप आपके हिसाब से बुक्स रेफर कर सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि नॉलेज में जितना भी गेन कर सके आप उतना कीजिएगा, और फिर ही मार्केट में पैसा डालिएगा, नहीं तो आपको लॉस ही होगा। तो चलिए डायरेक्टली अभी यहाँ पे मैं चार्ट ओपन करता हूँ, चार्ट के जरिए ये स्ट्रेटजी को हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको चार्ट सेटअप बता देता हूँ और फिर आपको बता दूंगा कि किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी है। हमारे चार्ट पे हमने यहाँ पे तीन मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन किया है, कि जैसे कि हम मैक्सिमम टाइम पे यही तीन मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तीन मूविंग एवरेजेस बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट होते रहते हैं। पहला मूविंग एवरेज है 50 का, जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है। दूसरा है व्हाइट का, जो यहाँ पे व्हाइट में दिख रहा है वो 100 SMA है, और यहाँ पे जो येलो में दिख रहा है वो हमारा 200 SMA है, और उसके साथ हमने यहाँ पे सुपर टेंड लिया है, आप देख सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल से मूविंग एवरेजेस और सुपर टेंड हमने यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ किया है, और उसके साथ हम थोड़ा ब्रेकआउट अगर मिलता है तो कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे वॉल्यूम का भी सहारा ले लेंगे। दोस्तों अभी यहाँ पे हमने कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया, और ये चार्ट जो हमने ओपन किया है वो 10 मिनट का है, यानी कि जो एक कैंडलस्टिक हमने यहाँ पे ली है वो 10 मिनट की है, राइट। तो हमारा 10 मिनट का एक कैंडलस्टिक चार्ट है, और टोटल ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो ये 30 डेज का टोटल ड्यूरेशन हमने यहाँ पे लिया है। अगर आपके सॉफ्टवेयर में ज्यादा भी ड्यूरेशन आता है तो कोई बात नहीं है, हमें खाली जो भी हम करंट डे में ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पे हमें खाली ये जो जितना भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारे सामने दिख रहे हैं उसके जरिए हमें ट्रेडिंग करनी है, राइट। तो इस तरह का हमारा चार्ट सेटअप है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि ये जो तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये तरीके से हम यानी कि ये स्ट्रेटेजी के साथ हम दो अलग तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि इसका मैंने पार्ट वन और पार्ट टू बनाया है, और जैसे कि मैंने बताया कि आज के दिन में हम पार्ट वन देखेंगे। अभी पार्ट वन और पार्ट टू का डिफरेंस क्या है मैं पहले आपको बता दूंगा, और फिर पार्ट वन क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पार्ट वन में कैसा होने वाला है कि ये सिचुएशन कि जब भी ये तीनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के नजदीक होंगे तो ये सिचुएशन हमें एक ट्रेड देती है, हमारे इस तरह के सिचुएशन में हमारा एक ट्रेड बनता है, हमें ब्लाइंडली कहाँ पे भी नहीं ट्रेड करना है। अभी मान लीजिए कि इस तरह का एक हमें सिचुएशन मिलता है कि जहाँ पे मूविंग एवरेजेस हमारे एक दूसरे के नजदीक है, अभी कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे इसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें खाली क्या करना है कि ये तीनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। नजदीक यानी कि ऐसा भी नहीं है कि ये एक दूसरे को स्क्वीज ही करके बैठेंगे, ऐसा भी नहीं है कि नजदीक यानी कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी इसे भी हम नजदीक ही कहेंगे, राइट। क्योंकि जब भी ब्रेकआउट मिलेगा, मान लीजिए ये कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो हमारा टारगेट रहेगा ऊपर वाला मूविंग एवरेज, तो इसके हाई के ऊपर हमें बाय करना है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज का डिस्टेंस हमें ज्यादा नहीं मिलता, राइट। तो ये इतने डिस्टेंस में हम ट्रेडिंग नहीं कर पाते, तो जितना डिस्टेंस रहेगा आपको इतना ही देखना है कि ये डिस्टेंस कितना है। अगर ये कैंडल ये हमारी कैंडल अगर ये मूविंग एवरेज से ऊपर जाकर यहाँ पे आती है, और यहाँ से मान लीजिए हमारा हमारा टारगेट ये होने वाला है, ये दूसरा मूविंग एवरेज, तो ये डिस्टेंस हमें देखना है, ये डिस्टेंस अगर हमारा उतना ज्यादा नहीं होता तो हमें ये ट्रेड अवॉइड करना है, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि इस तरह की सिचुएशन हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे ये मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के नजदीक है, जब भी नजदीक रहेंगे तो जो भी नीचे वाला मूविंग एवरेज रहेगा उसको ब्रेक डाउन मिलेगा तो हम सेल करेंगे, और जो भी ऊपर वाला मूविंग एवरेज हमें मिलेगा तो उसमें हम बाय करेंगे। ये पहला तरीका रहेगा। इसमें कैसा रहेगा कि मूविंग एवरेजेस हमारे नजदीक होने चाहिए, जो भी लास्ट वाला मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक डाउन मिलेगा तो हम सेल करेंगे, थोड़ा सुपर ट्रेंड से कंफर्मेशन ले लेंगे वो भी ऊपर रहेगा तो, और जब भी हमारे कैंडलस्टिक ये तीनों में से जो भी मूविंग एवरेज ऊपर रहेगा उसको ऊपर की तरफ ब्रेक आउट देगा उस ऊपर के साइड में, तो हम इसमें बाय करेंगे सुपर ट्रेंड का कंफर्मेशन लेकर। तो ये पहली स्ट्रेटेजी रहेगी जो आज की वीडियो में हम पार्ट वन के जरिए देखने वाले हैं। और दूसरा वीडियो जो रहेगा हमारा उसमें थोड़ा अलग रहेगा, उसमें कैसा रहेगा कि यहाँ पे आप सिनेरियो देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा, राइट। तो जब भी मूविंग एवरेजेस का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा हमें ब्रेकआउट मिलेगा, थोड़ा अच्छा खासा कंफर्मेशन मिलेगा, और उसमें हम ट्रेडिंग करेंगे, तो जो ऊपर वाला मूविंग एवरेज रहता है वो हमारा टारगेट रहता है, तो उसमें टारगेट हमारा दूर हो जाता है, स्टॉप लॉस हमारा नजदीक हो जाता है, लेकिन वो सेकंड जो पार्ट है हमारा उसमें थोड़ा हमें मूविंग एवरेज का डिस्टेंस अच्छी तरह से देख कर ही उसमें ट्रेड करना पड़ेगा। इसलिए मैं उसके बारे में किस तरह से करना है वो हम अगली वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम खाली इतना ही डिस्कस करेंगे कि जब भी हमें तीनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के नजदीक मिलते हैं तो ये हम ट्रेड करेंगे। अभी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेटेजी को जैसे कि मैंने बताया कि जब भी तीन मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के नजदीक रहेंगे तो ये हमारा ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीनों मूविंग एवरेजेस यहाँ पे नजदीक थे, राइट।
अभी यहाँ पे क्या करना है कि अगर नीचे वाला मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन होता है 10 मिनट के कैंडल पे तो हमें सेल करना है, अगर ऊपर वाला मूविंग एवरेज ब्रेकआउट होता है ऊपर के साइड में तो हमें बाय करना है। लेकिन बाय करने के लिए हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड का थोड़ा कंफर्मेशन ले लेंगे। अभी यहाँ पे जो चार्ट सेटअप बना था उसके जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे तीनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के नजदीक थे, 10 मिनट के कैंडल ने नीचे वाले मूविंग एवरेजेस को ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद उसी टाइम पे हमारा सुपर ट्रेंड ऊपर था तो हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता है। लेकिन ट्रेड हम ब्लाइंडली कहाँ पे नहीं करें, कहाँ पे भी नहीं ले लेंगे, हम क्या करेंगे इसका लो मार्क करेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका लो मार्क कर दिया, लो मार्क करने के बाद जब भी इसका लो ब्रेक डाउन होगा, यानी कि इसका लो भी ब्रेक डाउन होना चाहिए, इसके लो को भी हमारे कैंडल में ब्रेक देना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये 10 मिनट के कैंडल के ऊपर, और हमारा टारगेट रहेगा आधी परसेंट पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, और जैसे जैसे स्टॉक की मूवमेंट आती जाएगी वैसे वैसे हम उसे ट्रेल करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन ये जो स्टॉक है वो हमारे डायरेक्शन में जाने लगा। तो हमें इस तरह से करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये कैंडल अभी ब्रेकआउट भी कभी कभी बड़ी वाली कैंडल के साथ मिलता है, कभी कभी छोटी कैंडल के साथ भी स्टॉक बाहर जाता है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीन मूविंग एवरेजेस थे, उतना डिस्टेंस नहीं था। डिस्टेंस दोस्तों जितना ज्यादा रहेगा उतना हमारे लिए अच्छी बात है, जितना डिस्टेंस कम रहेगा तो हमारा यानी कि कैसे रहते हैं कि तीनों मूविंग एवरेजेस अच्छी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्कआउट होते रहते। यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ तक जाएंगे। लेकिन यहाँ से जब ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ ऊपर उतना रेजिस्टेंस नहीं रहता, तो वहाँ पे मूव ज्यादा मिलती है हमें। तो कभी भी यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ये डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं रहेगा तो हमें उसमें ट्रेड नहीं करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी मूविंग एवरेजेस नजदीक रहेंगे तो हम खाली ऊपर वाला ब्रेकआउट मिलेगा तो ही ट्रेड करेंगे, या नीचे वाला ब्रेकआउट मिलेगा तो ही ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। अभी ब्रेकआउट के लिए कैंडल अच्छी खासी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप सिनेरियो देखेंगे तो उतनी बड़ी भी कैंडल नहीं थी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि छोटी कैंडल ने एक मूविंग एवरेजेस को ब्रेकआउट देकर ऊपर जाकर क्लोज हुई थी। इमीडिएटली हमें क्या करना है कि जब भी इसका हाई ब्रेक होता है तो उसके ऊपर हमें पोजीशन बनानी है, इसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर लो के आसपास नहीं आ गया, तो स्टॉक में मूवमेंट अच्छी खासी ऊपर के साइड में यहाँ तक आ गई, राइट। तो यही स्ट्रेटेजी है, हमें खाली क्या करना है कि तीनों मूविंग एवरेजेस जब भी नजदीक रहते हैं, नजदीक यानी पूरा हमें स्क्वीज नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमें देखना है कि हमें जो भी डिस्टेंस है वो उतना मिल रहा है कि नहीं। अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो हमें यही समझना है कि ये तीनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं, और इस तरह के सिचुएशन में हमें क्या करना है कि ये डिस्टेंस कम होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस कम होना चाहिए, ट्रेडेबल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये भी सिनेरियो बता दिया। तो ये डिस्टेंस कम होगा तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला जब भी ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे, नीचे वाला ब्रेकडाउन होगा तो हम सेल करेंगे। अभी आप ये स्ट्रेटेजी के साथ जितना भी हो सके बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, इसका थोड़ा इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स इस्तेमाल करके। तो दोस्तों मुझे लगता है आज की वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो पार्ट टू है हमारा, जिसमें हम डिस्टेंस देख के ट्रेडिंग करते हैं मूविंग एवरेजेस का, वो किस तरह से करना है और उसे भी इम्प्रूव करने के लिए हम किस तरह से करेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है आज की वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।